योगी सरकार में नहीं थम रहा पुलिस व यादवों की दबंगई का सिलसिला। पुलिस की मौजूदगी में शाक्या के परिवार की 18 बीघा खड़ी फसल पर ट्रैक्टर से जुतवाई बाजरे की फसल। पूरा मामला जनपद मैनपुरी बरहाइल थाना क्षेत्र के ग्राम बेनीपुरी का है। यादवों के आतंक से पूरा गांव थरथराया हुआ है, जिसके चलते पूरे परिवार ने प्लान पर मजबूर हो गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि योगी सरकार में शाक्या समाज पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। उनके साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। मैं आपको राम लखन जी, ये बताइए क्या पूरा मामला है यहाँ पर? ये मामला है, हमारी ये चाची लगती हैं और यहाँ पर सारे गुंडागर्दी आ गए थे। हमारे घर पर कोई नहीं था, हमारे भाई थे सो मंदिर पे थे, और इन्होंने जबरदस्ती से ये सारा जोत लिया और मेरी चाची को मारा, चूड़ी वगैरह सब फोड़ दी उन्होंने, बहुत मारा। और हम गांव वाले सब साथ में गए, हम लोगों को भी इकट्ठा रख दिया और 2 नंबर की उन्होंने हम लोगों को ही डांटा और चिल्लाने लगे। और फिर कोबरा वाली गाड़ी आई, उन्होंने भी हम लोगों को चिल्लाया। फिर एसओ साहब आए, एसओ साहब ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कागज वागज वगैरह लिए और देख दाख की और कुछ नहीं किया। हम लोगों को ही डांटते रहे और घर को बैठा दिया कि जाओ घर पर और तुम्हारी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये कह दिया। मैं आपको वीरवान जी, क्या पूरा मामला है, जिस तरीके से आप लोग इस तरह खेत पर खड़े हुए हैं, क्या पूरी घटना है? साहब हम लोगों ने ये खेत बो दिया था, बाजरा जमा ठा रहा है इसमें। कल वो 2 गाड़ी लेके आया और उसने यहाँ दुपहरी को कोई हतो ही ना, मंदिर पे थे सब लोग, सुबह ने बाजरा जोत रहा हो। जब हम लोगों ने जानी तब हम लोग इकट्ठे होके आए। बताया जा रहा है कि आप लोग कहीं कुंड सराहने में? हाँ सोई तो बता रहे, कुंड सराहने गए थे, मंदिर पे थे, गांव में कोई नहीं था। हाँ, गांव में ना ही, तो जब वहाँ सूचना पहुँची तो दबंगों ने कब्जा किया लगभग। हाँ, जमीन कितनी होगी? जमीन 18 बीघा जमीन है, 18 बीघा जमीन पर। ये किस जाति के लोग हैं? हाँ, बे यादव लोग हैं, हम लोग साक हैं, हमारो भाई है, वो सिर्री है, बिना पढ़ो लिखो आदमी है। सो उस पर गुमराह करके कैसे करके लिखवा लिया 420 में। अंगूरी देवी, अंगूरी जी क्या पूरा मामला है? पूरा मामला जा, हमारी खेती जोत गए गुंडे गए थे, और हम जब बचाने आए ना ही करने आए तो मेरे ऊपर पकड़ लिया 2 आदमी ने, चुड़ियों फिर से फोड़ डाली और देखो मैं मार कूट करी मेरी और लड़का की, लड़का बचा लगी छाती पे। अल्लाह को जब मारपीट करते ही बंद तब आए, तब उन्हें भजा रहे थे सगे पुलिस वाले के सामने, और तब उन्हें कही तो उन्हें दौड़ दौड़ पड़े पुलिस वाले और गुंडागर्दी से आए थे सगे, तब भजे टर लेकर 2 गाड़ियाँ आई थी। मौका पाएगी पुलिस तो, और पुलिस मौका पाएगी तो वहाँ पकड़े नहीं कतई करके, और नहीं कछु कही बस भजाए और दिया उसी को पैसा खाए उसी ने। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।